वीनू गोयल मेरी निक्की भैन है, उन्हें कई बार बुलाया नहीं आ होता, पर ऐतकी दे लफ्सू दे बड़े माण मत्ते सी आना पड़ता सी, पहुँचया चंगा लगता है जदों पंजाब दे एह जे हालातों दे विच वी तीआं भैणां कट्ठियां होके आपदे चाह मुलार पूरे कर दियां ने। ते बस मैं तो यही कहूँगा जो हुण जोगी जिउंदियां रहो, बस खुशियां मैनू भी इन्हां दीआं खुशियां च ही खुशी है। जिवें अज नौजवान पीढ़ी आ पछमी कल्चर नाल जुड़ी जाती है ज़्यादातर, इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे कि देखो मैं खुद एक पंजाबी हाँ, मैं खुद कैनेडा की पी आर छी है, इस करके छी है कि मैं शायद पंजाब मैनू चंगा लग्या सी, उत्थे जाके एहसास होया पंजाबी पंजाब ठीक है, मैं वापस आया भंगड़ा पाउंदा रहा। मैं तो कहूँगा कि हर एक बच्चे नू, हर एक नवी पीढ़ी के नौजवान नू, मुटियार गभरू जो भी ने साडे बच्चे ने, उन्हां नू उस विरसे नाल उस विरासत नाल जरूर जाणू जरूर होना चाहिए जिहड़ा उह बिल्कुल ही भुल गए। जदों भंगड़ा भी पाउंदे ने बाहर जाईदा, मैं बाहरले मुल्कां च जाके अकैडमीज च देखदा, वह भंगड़ा भंगड़ा नहीं, भंगड़े नू 1 2 3 4 5 6 7 8 दे विच भंगड़ा पाउंदे ने, पर उवें नहीं पाउंदे जिवें भंगड़ा बणिया जिहड़ा लोक नाच है, वह नहीं है, एक्सरसाइज है, ठीक है, एरोबिक्स ने करदे रहन भंगड़े दे नाम ते। सो जे इत्थे जुड़नगे जे बच्चे और इदां दे फंक्शनस होणगे, एटलीस्ट माँ नू पुछण जोगे तां हो जाणगे, जे होऊगा ही नहीं, होंद ही नहीं कुछ होगा, फिर वह पुछणगे भी बेचारे की। सो कसूर किसे दा नहीं, दुनिया तरक्की दे राह ते आ, तरक्की दे राह च तुहाडियां वैल्यूज़ ऑफ लाइफ है जिहड़ी ओह चेंज हो जाती है। सभ्याचार नू मैं गलत हो सकता, रब नहीं आ, बंदा ही आ, ते सभ्याचार नू मैं सोचदा कि वैल्यूज़ ऑफ लाइफ साढ़े पल्ले पंज चीज़ां सी पंजाबियां दे, रिश्ते, मिट्टी, पानी, सेहत ते जिंदा दिली, पंजां चों साढ़े पल्ले कुछ नहीं गा, कुछ भी नहीं गा। हुण असीं ਕਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੌਣ ਸਾਂਭੂਗਾ? ਸਿਰਫ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਵੀਨੂ ਗੋਇਲ ਹੋਣੀ, ਸਿਰਫ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ? ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਜੋਗੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਜੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਧਰ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਵਿਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਸੁਆਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਆਣੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰੋਟੀ ਆਪ ਬਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਸੀ ਪਰ ਨਿਖੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਡਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀਆਂ ਬੈਡਰੂਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ 'ਤੇ ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੰਬੜਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਚੌਂ, ਛੋਲੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਹਰ ਹਰ ਮੂੰਗੀ, ਬਸਰੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਰਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਮਿਰਚਾਂ, ਸਿਰਫ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੂਣ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਦੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲੋਂ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਘੱਲਿਆ, ਸਾਂਭ ਲਓ ਪੰਜਾਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਿੱਕ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੀਂਘ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਰੇ ਬਦਲਾਅ ਆ, ਚੇਂਜ ਹੈ, ਵੈਲਿਊਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ,
ठीक है, जहाज़ों का अड्डा बन गया इत्थे, ना बनाउंदे ना जहाज़ों का अड्डा, नालियों के रेलवे स्टेशन ना बनाउंदे, पाउंदे सीवरेज, उही कच्चे जे घरां च रहिंदे लोक इत्थे, कहदे वास्ते तरक्की कीती है, छड्डो परे, ढालो आपां दुबारा कच्चे घरां वाला पंजाब लिआउंदे आ, पिप्पल लाउंदे आ, 100 साल बाद पिप्पल हो जाणगे, क्योंकि वह वड वड धरते सी जीरी दे नां ते, ना निम्मा ने, ना पिप्पल है, ना टाली है, ना अंब है, ना जामण है, दरख्त ही है नहीं साढ़े, बाद चो हौली देने अंग्रेजी कह देंगे ग्लोबल वार्मिंग है। सो कसूरवार असी हाँ, सब तो व्डा मैं हाँ, इतने जिन्ने खड़े हाँ सब तो व्डा कसूरवार मैं लगता मैं हाँ, मैं किसान का पुत, खेती मैं नहीं करता, किसान का पुत आपके खेत दरख्त मैं नहीं कोई छड़िया, किसान का पुत होने करके पेंडू होने करके घर मैं पक्का कर लिया, कसूरवार मैं भी हाँ, आओ हमला मारीए, बस ये है भी साढ़े पल हंकार रह गया, मैं सिर्फ इक्को गल हर पंजाबी कहता, मैं क्यों करा, वह क्यों नहीं कह करता, मतलब हर पिंड की हर बीही, हर शहर की हर मोहल्ले की हर बीही दे विच इक लड़ाई हुंदी है, घर जिहड़ा नवां बणदा फिर रैंप ओ विचाले तक कढ लैंदा, लगदा सारे बठिंडे च कढ़िया होया, मैं क्यों ना कढ़ा, हर एक नूं सोचना पैणा, हर एक नूं ये सोचना पैणा भी मैं पंजाबी हाँ, घर मेरा मेरा घर नहीं गा, मेरा घर पंजाब है, सारा पंजाब मेरा है, लोग तो कह के चले गए कि यह पंजाब भी मेरा है तो वह पंजाब भी मेरा है, असीं आपदे पंजाब नूं आपदा नहीं मनदे, मैं सब तो पहला क्या जी साढ़े को रिश्ते सी पंजाबियों को, मैं चाची के घरे जाना, मेरा मामा घरे आया, मेरी माँ ने मैनू कौली दे के भेजा भी जा चाची दे चीनी लिया, चाची ने माण करके गड़वी च दुध भी पाया, चीनी की कौली भी रखी, उत्ते पुड़ी दे विच चाह पत्ती भी दित्ती, अज मैं चाची के घरे जावां चाची मैनू चाह नहीं पुछदी, रिश्ते ही नहीं गए। तालीवाल साहब, हर बंदा जदों भी स्टेज पर कोई भी स्पीच करे जां मीडिया मूहरे जां कितने भी गल करे वह गल्लां बहुत वधिया करदा, हर बंदा करदा, तुहाडी नहीं गल्ले, पर शुरुआत कौन करे, मतलब शुरुआत नहीं, देखो मैं कीती है, मैं कीती है, मैं बीजेपी ज्वाइन कीती है, पहली पार्टी है मेरी, वो इस करके कीती है कि मेरे दो बच्चे ने दोनों व्याहे गए, मैं हुण समां दे सकदा, तो मैं आप दे घर तो शुरुआत की है, मैं ते मेरी वोटी असी आप दे पुत नू जर्मन तो वापस बुलाया, उन्हूं कहा इत्थे पंजाब साहब असी पिंड जा रहे हैं, तो पिंड आपदे भरा नू, मेरा वड्डा भरा खेती करदे ने, उन्हां नू कहा भी साढ़े खेत च किन्ने बूटे सी जिहड़े आपां ने वट्टे, उन्ने बूटे लाओ, असी बाबे नानक दा जिहड़ा बाड़ी लाउंदे ने जंगल लाउंदे ने उह लवाया एकड़ च, तो जे कामयाब हो गया तो मैं आपदे 20 एकड़ पहला कहा वीर जी भी मेरे हिस्से दे 20 एकड़ कढ के लवा दो, जमीन चलो 2 फुट हैगी है मेरे को, पर मैं 20 एकड़ लवाऊंगा, मैं पिंड शिफ्ट करूँगा, मेरा पुत साढ़े चलते काम तो सामभे ना, सानू रोटी जोगे पैसे तो कमा के खड़ावे ना बैठे ना, तो असं पिंड जाइए, जे पिंडों जाके फिल्मा करिए तो मेरी घरवाली आपका बिजनेस पिंडों करे पॉसीबल नहीं है, वो नहीं सकता, सो मैं आपके घरों करूँगा, मेरे घर अज भी चुल्हा बलता है, मेरे अज भी घर एक TV है, मेरे घर अज भी पहला मापे मेरी रोटी खाते ने, और मेरा हर वक्त यह हों कि जे मेरी वाइफ करे है या मैं करे तो आपके बजुर्गों ना तो 1.5 घंटा बतीत करिए, आपके बच्चों सवेरे जरूर मिलीए, जे शाम को लेट भी आते हैं उन्हों की जीवन से असी खलल ना पाइए, पर आपके नेड़े रखने की कोशिश करिए, मैनू बहुत माण है कि मेरे दो बच्चे दोवें बच्चे चाहे व्याहे हुए ने पर ओह गाहे वगाहे जदों मौका लगता गुरु घर जरूर जाते हैं। लास्ट सवाल है, तुसी कह रहे हो बच्चे नू वापस मंगा रहे हैं पर नौजवान पीढ़ी प्रवास कर रही है, वह कहिंदी पंजाब दे हालात बहुत माड़े, माफ करना, इंडिया दे विच जिन्ना क्राइम है सब तो घट पंजाब च है, तो मैं थोड़े सारिआं राहीं सुनेहा देना चाहुंदा, पंजाबीओ झात मार लिओ, कनेडा च ठेके खुल गए, ठेके नशियां दे ठेके, फीम चाहिए है, चिट्टा चाहिए, गांजा चाहिए, भंग चाहिए, भुकी चाहिए, कोकीन चाहिए, समैक चाहिए, चिट्टा चाहिए, 2.5 ग्राम आपकी 18 साल तो वध दी ID दिखाओ, 2.5 ग्राम लो, बाहर आओ पीओ, फिर ले लो 2.5 ग्राम, चाहे दिन 36 वारी ले लो, ठेके खुल गए, ठेके समझे, तो एक याद रखियो भारत तरक्की दे राह ते आ, पिछले 8 साल का इतिहास फरोल लियो, एवें नहीं असी चंद्रयान इसरो ने भेजता तो ऑक्सीजन तक लभ ली, एक कामयाबी आ भारत की, एवें नहीं HAL हैलीकॉप्टर्स की सब तो वड्डी फैक्टरी इंडिया चल रही, एवें नहीं दुनिया च लगभग एशिया च मैं कह सकता कि मोबाइल फोन की सब तो वड्डी प्रोडक्शन इस टाइम इंडिया च, एवें नहीं
कि हर रोज़ 40-42 किलोमीटर हिंदुस्तान च नवी सड़क बन रही है एंड हाईवेज बन रहे हैं, एवें नहीं जहाज उतरिया पाकिस्तान च कुछ ना कुछ तो होया होगा दे नाल बेसमझी, मतलब साढ़े पल्ले असी मैनू लगता कितने ना कि फुकरे हो गए हैं। बेसमझियां नू छड्डो यार, पंजाब थोड़ा एंड सोहना पंजाब थोनू बाहा उलार के उड़ीकदा, छड्डो कनेडा नू वापस आके देखियो थोनू नज़ारा आऊगा, क्योंकि उत्थे तुसी एक दल दल दे विच वड़े हुए हो, निकल नहीं सकते, निकल के कितने पंजाब आयो बाई गॉड थोनू मिट्टी की खुशबू हो ही आऊगी। जी मैं बठिंडा तो समाज सेवी विनू गोयल भाजपा तो, और तिया बठिंडे दिया माण बठिंडे का, और इस बार खास हरियाली है क्योंकि इसे असी 500 रुख भी वंडने और अज 19 अगस्त क्योंकि हरियाली तीज है और सारिया महिलावां का हरा ड्रेस कोड है, यही संदेश दिंदा है कि आओ रुख बचाइए, कुख बचाइए और साडा सभ्याचार, साडा विरसा, विरसा साडी संस्कृति इहदे नाल प्यार जिहड़ा बच्चों नूं भी आने वालों नूं पा के रखिए ताकि इहनूं भुल्लण ना और अपने अपनी प्यार अपने जिहड़ा समाज है अपना पंजाब है उहदे नाल प्यार बना के रखन। विदेशां दे विच प्यार नहीं मिलना, सानूं अपने पंजाब चों प्यार मिलना, अपने लोकां तों प्यार मिलना। धन्यवाद।